प्रतिक्रियात्मक सूचक मन। तो मन प्रतिक्रियात्मक सूचक मन, ये मेरा आज का विषय है। तो ये मन जो किस तरह से कार्य करता है और कैसे रिएक्टिव होता है और कैसे सकारात्मक बनता है, तो इसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगा। तो मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ कि ये जो हमारे जो क्रिएटिव जो माइंड होता है, या कहना चाहिए जो जागरूक मन होता है, ये कितना परसेंट रहता है, और जो नॉन जागरूक मन होता है जिसे कहना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कितना परसेंट उसकी पावर रहती है और कॉन्शियस माइंड की कितनी पावर रहती है परसेंटेज के हिसाब से बताने का। तो ऐसा बताते हैं कि जो कॉन्शियस माइंड है वो केवल ज्यादा 3-4-5% तक जाता है, इतना ही नॉर्मली होता है ये भी जगाने के बाद। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कहना चाहिए अचेतन मन कहना चाहिए, तो अचेतन मन की जो पावर है वो कम से कम 95% रहती है। और आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे हम आमतौर पे गांव के लोग जैसे पहले ठंडा पानी पिलाते थे, तो उसमें एक वो होता है बहुत बड़ा टब होता है और उसमें बर्फ की सिल्ली ला के डालते थे मेहमानों को ठंडा पानी पिलाने के लिए। तो बर्फ की सिल्ली डालने के बाद उसमें जो वो दिखाई जो देती है वो उसका छोटा सा पोर्शन, मतलब 5-6% 7% दिखाई देता, लेकिन 90% वो अंदर पानी में ही रहता, वो दिखाई नहीं देता पूरा। ठीक इसी तरह से हमारे जो ये मन की अवस्था है, मन की मतलब सचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड, तो ये दोनों मतलब इसी तरह काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी जो बहुत बड़ी जो पावर है अचेतन मन की या सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है और कॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है। तो कॉन्शियस माइंड तो ये है कि जैसे हम जैसे जागती हुई अवस्था में काम करते हुए, बातचीत करते हुए, जो भी हमारी थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है, तो ये सब मतलब ये कॉन्शियस माइंड कहलाती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऐसी ऐसा मानसिक अवस्था रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो वो कब दिखाई देती है? वो दिखाई देती है जैसे जब आदमी बल्कि सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है। ऐसा बताते हैं कि हम सो भी जाते हैं तब भी सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता रहता है। तो ये जो जैसे हमें कोई हमें इंसल्ट करता है, कोई हमें किसी तरह हमारे बेइज्जती करता है, गाली देता है किसी बात को लेकर के, तो हमें क्या तुरंत रिएक्शन आता है। ये तुरंत रिएक्शन हमें क्यों आता है, कभी आपने सोचा है इस बारे में? हमें जो रिएक्शन आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हमने नेगेटिव जो बातें हैं वो उसको दी हुई हैं, मतलब अकुशल बातें हम सबकॉन्शियस माइंड में हमारे हमारे द्वारा चली जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें हम चाहे सकारात्मक बातें हम करें या नकारात्मक बातें करें, सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज जाती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है कि वो आप कोई प्रश्न नहीं करता आपसे, या कहना चाहिए लॉजिक नहीं पेश कर सकता। इसीलिए जो जैसी भावना हमारी होती है, मतलब अच्छी तरह हमारी जो भावना होती है, अगर हम जैसे हम आज मैत्ता भावना करने वाले हैं, तो मैत्ता भावना करते समय हम क्या करते हैं, हम जैसे जो अच्छी भावना सकारात्मक भावनाओं को हम रिमेम्बर करते हैं और भावनाओं के साथ उसको कहना चाहिए प्रतिसाद देते हैं। जैसे मैं सुखी रहूं तो महसूस करते हैं मैं सुखी होता जा रहा हूं, मैं प्रसन्नचित होता जा रहा हूं, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूं और मेरा विकास होता जा रहा। तो ऐसी भावनाओं के साथ जब हम उसको प्रतिसाद देंगे तो निश्चित रूप से उस जो सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज जाती है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड होता है कि हम यदि ये कहते हैं कि ना मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो ये सबकॉन्शियस माइंड सुन लेता है कि हाँ ये काम मैं कर नहीं सकता, तो
तो अंदर से ये जब आप उस काम को करने लगोगे तो वो फीलिंग्स या वो भावनाएं अंदर से नहीं आएगी और आप उस काम को करने में असफल हो जाओगे। और सबकॉन्शियस माइंड में यदि अब हमने ये मान लिया कि नहीं मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर यदि आप किसी बात को कहते हैं करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस काम को कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आप बहुत से प्रवचन देते समय कई बार ऐसे ऐसी बातें आती हैं कि हम जो है ये सोचते हैं कि नहीं मैं प्रवचन दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, मुश्किल लगता है मुझे, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो उसी चीज को ग्रहण कर लेता है। और जब हम प्रवचन करते हैं या कोई बात करते हैं कोई भी किसी भी विषय पे ले लो, तो फिर जो है हम निश्चित रूप से हम उसमें जरूर अटकेंगे, हम उसको सही तरह से जो अंजाम देना चाहिए जो रिजल्ट आना चाहिए उस तरह का रिजल्ट हमारा उसमें आता नहीं है, चाहे प्रवचन हो चाहे कोई भी काम हो चाहे ऑफिस का काम हो किसी भी तरह का काम हो। तो इसलिए हमें क्या काम करना चाहिए, हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा सकारात्मक भावनाएं भेजनी चाहिए, अच्छी भावनाएं भेजनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम हमारे मन में जो भी चलता है सकारात्मक चलता है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आती हैं हमारे मन में, तो वो अच्छी बातें जो हम करेंगे तो वो हमारे अंदर, वो अंदर का जो मन होता है सबकॉन्शियस माइंड वो लेता रहता है, हमेशा लेता रहता है। इसका मैं एक दो एग्जाम्पल आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि किस तरह से ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है सकारात्मक की तरफ भी और नकारात्मक होने के लिए भी। जैसे सपोज करो हम ये मान लेते हैं कि यार मेरे तो आज बदन दर्द हो रहा है, ये ऐसा शरीर में दर्द हो रहा है, या ये मान लो यार आज तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे फीवर आने वाला हो या सर में दर्द होने वाला हो, तो ठीक उसी तरह के जो लक्षण हैं सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी में वो एक दिन के बाद दो दिन के बाद वो सेम सिम्टम्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये कैसे, मतलब किस तरह से शरीर ने उसको ऐसे अडॉप्ट कर लिया, किस तरह शरीर ने उसको मान लिया, तो ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है जो हम दे रहे हैं वही सबकॉन्शियस माइंड वापस देता है हमें, उल्टा हमें वही चीज वो विचारों के रूप में वो ताकत के रूप में वही वापस आता है। तो मेरा मतलब कहने का ये, और यदि हम इस सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बातों का हम प्रवेश करते हैं, जैसे मान लो मैं निश्चित रूप से मैंने जो एग्जाम दिया है, जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं तो वो दृढ़ निश्चय के साथ कि नहीं मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, मेरे इतने इतने परसेंट नंबर आएंगे ही, निश्चित रूप से आएंगे मेरे नंबर, और बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से आप बहुत अध्ययन करते हैं पढ़ाई करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके जो वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा उसका मन कह रहा है वैसा ही परिणाम आने वाला है, क्योंकि वो जितना कॉन्फिडेंट होकर के हम कॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको वैसे ही ग्रहण कर रहा है, तो ये बताना चाह रहा हूं मैं। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में हमें हमेशा सकारात्मक भावनाएं देनी चाहिए, नकारात्मक भावनाएं यदि हम देंगे नकारात्मक बातें करेंगे तो वैसा ही हमारा मन बन जाता है, और जैसा मन बन जाता है वैसे ही शरीर पे उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जैसे हम ये जानते हैं, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो शरीर है या मन है, ये जो बीमारी जो आती है शरीर से, जो बीमारी आती है मन से, जो बीमारी आती है ये हमेशा आती ही नकारात्मक सोच से, हमारी जो सोच है वो नकारात्मक होती है और नकारात्मक सोच का असर जो है हमारे माइंड पे पड़ता है और माइंड का असर हमारे शरीर पे पड़ता है। तो ऐसे जैसे ही इसका असर हमारे शरीर पे जाएगा मन पे जाएगा वैसे ही हम बीमार हो जाएंगे। इसीलिए ठीक उसके उल्टा जैसे हम हमारे मन में बहुत ही सकारात्मक भावना, जैसे हम मेहता भावना करते हैं और सोते समय या उठते समय, सोते समय भी अपनी अच्छी भावनाएं फीलिंग्स लेनी चाहिए, मैं सुखी रहूं प्रसन्नचित रहूं स्वस्थ रहूं और मेरा विकास हो, और जैसे सभ्य सत्ता सुखी हंतु इसका पठन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा अच्छी फीलिंग्स अच्छे विचार जाएंगे
और हमारी नींद भी अच्छी होगी, और नींद अच्छी होगी तो हमारा जो जो अंदर का जो माइंड है उसको वो हीलिंग पावर जो होती है जो बॉडी को ठीक करने वाली, वो जो है यह कहना चाहिए हार्मोन्स का अच्छा है, हार्मोन्स का जो स्राव होता है चाहे नींद वाला हो या माइंड को खुश करने वाले हार्मोन्स जो है उनका निश्चित रूप से आप हार्मोन्स का स्राव होगा, और हम हमारी जो अवस्था है बहुत ही प्रसन्नचित अवस्था होकर के हम सुबह को उठेंगे, और सुबह को उठने के बाद जब हमारा मन भी और शरीर भी शांत रहता है, और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा व्यायाम करने के बाद आप ध्यान में जो बैठोगे, तो मैं ये कहता हूं कि सुबह का जो ध्यान है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे ज्यादा परिणामकारक होगा, सबसे ज्यादा परिणामकारक। उस समय क्या है कि जो भी आपकी अच्छी भावनाएं हैं वो सीधे सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ही हमारे जाती है तो उसकी जो पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड की है, वो कॉन्शियस माइंड से अटैच हो जाता है, और यही तो हमें करना होता है, हमें हमारे कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड से जब इसका कनेक्शन होगा तो निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे अच्छे परिणाम होने वाले हैं, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। मैं इसके बारे में मैं कई बातें जैसे मान लो मन प्रतिक्रियात्मक सूचक मन को कई बार हमारे भंते जी ने बताया, तो उसके बारे में जैसे हम देखते रहते हैं कि ये जो हम रिएक्टिव माइंड जो कैसे काम करता है कि जैसे मशीन होती है, मशीन में सिक्का डालो और उसका वो रिजल्ट मिलेगा, ऐसी जो कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग डालते हैं जैसी प्रोग्रामिंग डालते वो वैसा ही काम करता है, तो ऐसे ही ये हमारा ऐसी हमारा जो रिएक्टिव माइंड होता है वो भी इसी तरह काम करता है। सबकॉन्शियस जब हमने जो प्रोग्राम डाला है जैसे नेगेटिव बातें डाली है तो नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव बातें डाली है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो इस तरह से ये काम करता है। तो मैं इसके बारे में दो तीन आपको एग्जाम्पल देकर के और इसको क्लियर करना चाहूंगा कि इसकी कितनी जबरदस्त पावर, ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा पावर हाउस है, बहुत बड़ा। हम तो केवल 3-4% ही यूज करते हैं, 3-4%, बाकी परसेंट ये जो सोया रहता है, मतलब उसको जगाने का काम कैसे करें हम, उसको जगाने का काम यदि हमारा जगाने का काम हम सही तरह से हम कर पाए और अच्छी तरह से उसके टच में हो पाए या उससे कनेक्ट हो पाए सबकॉन्शियस माइंड से, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत ही अच्छा परिणाम आने वाला है। हम हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, कभी थकेंगे नहीं, काम कितना ही आ जाए सब काम कर लेंगे। तो उसको कैसे कैसे बनाया जाए सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब जो कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कैसे किया जाए, सकारात्मक तरीके से कैसे कनेक्ट किया जाए, तो इसके बारे में और ये कैसे काम करता है मैं एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा। पुराने समय की बात है कि उस समय क्या होता था कि जैसे ये जो ऑपरेशन है, मतलब जैसे किसी फोड़े का ऑपरेशन करना, बॉडी में कहीं फोड़ा हो जाता है या कहीं भी कुछ ऐसी चीज चोट लग जाती है, आप वो सर्जरी करनी पड़ रही है, तो पहले टाइम में ऐसा कोई एनिथीसिया का कोई वो था नहीं, कोई प्रचलन नहीं था, कैसे उस हिस्से को एनिथीसिया दे करके उसको सुन्न कर दिया जाए जिससे कि उसको पेन ना हो। तो उस समय क्या है, ये मानसिक एनिथीसिया दिया जाता था। मानसिक एनिथीसिया क्या होता है, तो ये वही मैं बता रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड को क्या देना पड़ता है, तो उसको जो पेशेंट होता है उसको बताना पड़ता था कि इनको आपको कुछ भी दर्द नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, यार आप तो बहुत मर्द आदमी हो, कोई दर्द महसूस नहीं होगा, जरा सा कटेगा ही तो सही, उसमें क्या है, आप मन को मजबूत रखो, कुछ नहीं होता और बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। वो उसके कहते कहते उसके माइंड को वो जो वैद्य है या ऑपरेशन करने वाला जो व्यक्ति होता था डॉक्टर, वो इतना उसके मन को मजबूत बना दिया करता था कि जब उसका ऑपरेशन होता था उसे दर्द ही महसूस नहीं होता था। तो ये एक ताकत है उसकी, मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड को इतना मजबूत बनाने के बाद फिर उसका असर भी नहीं हो पाता, मतलब उस दर्द का आप एहसास भी नहीं कर पाओगे।
तो ठीक इसी तरह से उसका ऑपरेशन भी हो गया और आदमी वो ठीक भी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, ऐसा मैं बता और भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे ये लेटेस्ट मॉडर्न जमाने की बात बता रहा हूँ कि एक आदमी को मतलब एक असाध्य रोग, चर्म रोग हो गया। चर्म रोग हम सब जानते हैं, चर्म रोग में कुछ भी हो सकता है। तो वो आदमी जहां भी जाए बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट कराए, लेकिन उसको वो फायदा नहीं हो पा रहा, मतलब उसको रिलीफ नहीं हो पा रहा। तो उसने कहा क्या क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उसने क्या है, एक लेख पढ़ा, एक जगह लेख पढ़ा। तो तब उसने ये चीज पढ़ी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जब उसने पढ़ा, तो राइटर ने लिखा था कि इसमें इतनी जबरदस्त पावर होती है, इतनी हीलिंग पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड में, कि ये हमारे शरीर को मतलब ठीक करती है, ये पुनर्रचना करती है हमारी बॉडी की। और कोई भी किसी बॉडी में कहीं भी कोई मान लो कोई फोड़ा हो जाए, मान लो कोई गांठ पड़ जाए, तो उसको भी रिपेयर कर सकती है सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी इतनी जबरदस्त पावर होती है इसमें। तो उसने जब इस चीज को पढ़ा, वो पढ़ने के बाद फिर उसने सोचा कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ, मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। और उसमें जब उसने अपने विचार में सोचा और सकारात्मक भावनाओं का जो उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड से जो कनेक्ट हुआ उसका कॉन्शियस माइंड, तो उसके बाद जो है उसको वो एक हफ्ते के बाद ही उसको रिजल्ट आना शुरू हो गया। और जो चर्म रोग, जो असाध्य चर्म रोग डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते, वो ठीक होना शुरू हो गया और एक महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। उस ताकत से जो है हम क्या उस ताकत से हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी पावर है, बहुत सारी मैं बताया करता हूं कि जो दुनिया में यदि सबसे ज्यादा ताकतवर चीज होती है तो हमारा माइंड होता है, हमारा मन होता है। लेकिन मन को ताकतवर बनाने के लिए ऐसी ताकतवर तो बनेगा नहीं। तो मन में क्या होता है, ये हमारी हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे सपोज करो आपका मनपसंद कोई प्रोग्राम आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है क्रिकेट के शौकीन होते हैं, क्रिकेट का मैच आ रहा है और मैच देखने के लिए वो सुबह से बैठ जाएंगे और दोपहर भी हो जाएगी, शाम भी हो जाएगी, रात वो ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। तो इतनी ऊर्जा उनके कहाँ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो जो फीलिंग्स होती हैं, वो जो भावनाएं होती हैं, वो बहुत ताकतवर होती हैं। लेकिन हमारी भावनाएं वो कहाँ चली जाती हैं, जब हमें पढ़ने के लिए कहा जाता है, जब हमें ध्यान करने के लिए कहा जाता है, तो वो इसका मतलब ये है कि हमारे उस काम करने के लिए वो हमारी जो भावनाएं हैं वो जनरेट नहीं हो पाती, या कहना चाहिए उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। जहां हमारा इंटरेस्ट होगा वहीं पर भावनाएं आती हैं। इसलिए उन भावनाओं को लाने के लिए तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके फायदे याद करने पड़ते हैं कि इसको करने से हमें कितने बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं, हमारा शरीर कितना अच्छा हो सकता है, हम कितने वीर्यवान हो सकते हैं, हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता, जो बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ती है वो इसी से बढ़ती है, इसी सकारात्मक भावना से बढ़ती है। तो ये जो मैं जो बताने का प्रयास यही कर रहा हूँ कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा हमें जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी भावनाएं होती हैं, वो देने का प्रयास करना चाहिए। और ये हम ये देखते हैं कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड, मैं और भी एग्जांपल आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जैसे मान लो पुराने टाइम की बात है, पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे वो सारी मतलब बिजली सुविधा तो होती नहीं थी कहीं जाने आने की, तो उसे पता लग गया कि हाँ मेरा फादर बीमार है, मदर बीमार है, भाई बीमार है, तो वो वहीं बैठे बैठे ऐसी मेहत्ता भावना किया करता था, ऐसा मेहत्ता भावना का उस करता था कि वो जो 100 मील दूर, 50 मील दूर कहीं भी बैठा हुआ, वो उसकी जो इफेक्ट है, जैसे माइंड टू माइंड कॉन्टेक्ट हो जाता है, उस हिसाब से वो अपनी
प्रसारित किया करता था, अपनी सकारात्मक भावनाओं का प्रसार किया करता था और उससे उसको वो भावनाएं उसको उस तक पहुंच जाती थी, वो जो उसका प्रियजन हुआ करता था, और वो निश्चित रूप से पहुंचने के बाद वो ठीक होना शुरू हो जाता था। तो ये जो माइंड है, ये माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। और जैसे जैसे हम इसकी जो महत्व इसके करीब जाने का प्रयास करेंगे, ये मन के नज़दीक या मन के संपर्क में हम रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये हम जो है जैसे संपर्क बढ़ेगा हमारा, तो वैसे वैसे ही ये बहुत ही पावरफुल होता जाएगा। पावरफुल ये होता ही इसलिए है कि हम जो है वर्तमान में रहने का हम धीरे धीरे से अभ्यास बढ़ाएंगे, तो वर्तमान में रहने का अभ्यास बढ़ाने के साथ ही इसमें वो चीज़ वो सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। क्योंकि जो जो हमारा जो माइंड की जो नकारात्मक जो हमारे पावर को ह्रास करती है, या मन में जो नेगेटिविटी है उसको जो ऊर्जा को कम करती है, तो नेगेटिविटी जो धीरे धीरे वो कम हो जाती है। क्योंकि नेगेटिविटी कम कहाँ जाती है, जैसे भूतकाल की बातें हमें याद आती रहती है, तो वहाँ हमारी सारी ऊर्जा चली जाती है भूतकाल की बातों में, कि मैं वहाँ पर ऐसा हुआ था, ये हुआ था, उस समय ये क्या था, तो ये क्या है कि वो सारी ऊर्जा हमारी कम होती जा रही है, क्योंकि वो घटना याद करते ही साथ ही उसी तरह की फीलिंग्स जो हमने हमें गुस्सा आया होगा, हमें खुशी हुई होगी, तो वो उसी तरह की फीलिंग्स में चले जाते हैं हम, तो वो हमारी जो एक तरह ऊर्जा का जो हरासमेंट है वो शुरू हो जाता है। इसी तरह जो फ्यूचर की कुछ बातें होती हैं, प्लानिंग होती है, तो उससे भी हमारा जो ऊर्जा का हरासमेंट होता है। तो लेकिन जो वर्तमान में हम रहते हैं, वर्तमान में ऊर्जा का कभी हरासमेंट नहीं होता। तो हमें इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने मन को वर्तमान में लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए मैं थोड़ी सी बातें और बताने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे जैसे जो सकारात्मक भावना लाने के लिए, जैसे नकारात्मक के लिए तो हमारे जैसे भवचक्र के बारे में हम बताया जाता कि भवचक्र कैसे काम करता है। तो भवचक्र का जो स्टार्टिंग है वो अज्ञानता है, हम सब जानते हैं। अज्ञान से संस्कार का जन्म होता है, और संस्कार के बाद जो जन्म होता है विज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान से नाम रूप हमारा शरीर और मन, और नाम रूप के बाद षडायतन मतलब छह इंद्रियां हमारी जो वो डबल आती है एग्जिस्टेंस में आती है, और षडायतन के बाद जो क्या होता है हमारा स्पर्श होता है, और स्पर्श के बाद यहीं से हमारा दो रास्ते पड़ते हैं। स्पर्श के बाद या तो वेदना में जाएगा, मतलब अच्छी लगेगी, वो हमें सांसारिक वेदना आ रही है, कोई चीज अच्छी लग रही है, तो निश्चित रूप से हमारा जो वो तृष्णा में चला जाएगा हमारा मन। और यदि उसको हमने समझ लिया कि ये जो वेदना आ रही है तृष्णा में नहीं जाना, इसको दुख समझ करके इसका हल निकालना है, तो तब सही माने में वो श्रद्धा में चला जाएगा। और श्रद्धा के बाद आते के साथ ही हमारा मन क्या होता है, पॉजिटिव बनना शुरू हो जाता है, सकारात्मक बनना शुरू होता है। तो ये श्रद्धा जो है ये बहुत तरह से आती है, बहुत प्रकार से आती है। और श्रद्धा को मैं बताया करता हूँ कि श्रद्धा का जो आधार है प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा के तीन एस्पेक्ट होते हैं, तीन एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती है हमें जैसे बुद्ध रूप को देखने के बाद, बाबा साहब को देखने के बाद, भंते को देखने के बाद, तो उनको देखने के बाद हमारे मन में क्या मोटिवेशन आती है, बड़ी जबरदस्त मोटिवेशन आती है। और मोटिवेशन आने के बाद वो सकारात्मक मोटिवेशन होती है, उसके बाद क्या होता है कि फिर हम जो उसको तर्क वितर्क मतलब कसौटी पे कसते हैं कि ये मोटिवेशन हमारे फायदे के है लिए है कि नहीं। तो कसौटी पे कसने के बाद हम देखते हैं कि हाँ ये हमारे फायदे के लिए है, मेरे खुद के फायदे के लिए, सबके फायदे के लिए, पूरी दुनिया के फायदे के लिए है, और तब उसके बाद हम उसको आचरण में इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो तब सही माने में श्रद्धा के बाद जो क्या होता है, दुख से श्रद्धा आई और श्रद्धा से आनंद, आनंद की प्राप्ति होती है, और आनंद से फिर प्रीति की मतलब डबल आनंद हो जाता है और प्रीति की अवस्था आती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने के लिए अगर इस ये जो ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग को हम बार बार इसके संपर्क में आएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो ऊर्जा का जो स्रोत है, जो सबकॉन्शियस माइंड का जो स्रोत है, बहुत जबरदस्त ऊर्जा का जो स्रोत है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। और ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने बाबा साहब हैं। बाबा साहब
का माइंड निश्चित रूप से वो उनका सब कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट होने के बाद ही उन्होंने जो हजारों साल का काम वो मुश्किल से मतलब 65-66 साल की उनकी उम्र रही है। इस उम्र में मतलब इतने हजारों साल का काम वो करके चले गए, वो कैसे हो गया? वो इसीलिए हो गया कि बौद्ध धर्म में ये जो पावर हाउस है, सबकॉन्शियस माइंड एक पावर हाउस है, उसको हर आदमी जान नहीं पाता या उससे कनेक्ट नहीं हो पाता। तो आज मैं जो मैं ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं यही बताने, तो इस पावर हाउस से या सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत बड़ी पावर है उससे हमें कनेक्ट होना है, और जैसे ही हम उससे कनेक्ट होंगे, सकारात्मक तरीके से कनेक्ट होंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा विकास होने वाला है। हमारे अपना खुद का विकास होगा, हमारे अपने परिवार का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा और पूरे देश का विकास होगा। मैं कहता हूँ कि अगर मुश्किल से 2% भी ऐसे बुद्धिस्ट आदमी पूरे भारत में इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर लेते हैं, तो इस भारत को कोई बौद्धमय बनाने से रोक नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि जो बौद्ध धर्म के विकास को जो रोक सके, या बौद्ध धर्म के जो बाबा साहब ने धम्म चक्र दिया था 1956 में, उस चक्र को गतिमान करने के लिए हमें यही काम अपनाना पड़ेगा। इस सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करने का तरीका यही है कि हम जो है जो ऊर्ध्वगामी चक्र का मार्ग है उसको अपनाना पड़ेगा। इसके द्वारा हम जो है उसके नजदीक जा सकते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं, और जो हम ध्यान के माध्यम से उससे कनेक्ट हो सकते हैं, और जो वंदना हम करते हैं, प्रेयर करते हैं, वंदना करते हैं, तो वंदना के माध्यम से हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। रात को भी आप जब सोने से पहले आप निश्चित रूप से आप वंदना करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, और उसको सकारात्मक भावनाओं से अपने मन को भरिए, तो बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। सुबह के टाइम भी, मॉर्निंग का टाइम जैसे हम उठते हैं, उठने के बाद हम जो सारा काम करने के बाद फिर उठने के बाद ध्यान जो करते हैं, उसमें ध्यान की अवस्था हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी शांत रहता है। वो तो शांत रहता ही है, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उससे कनेक्ट होने के ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि हम अच्छी बातें उस करने वाले हैं ध्यान के माध्यम से, और हमारा ध्यान का जो असर है ये एक दिन में असर नहीं जाता। हम जो जैसे मेहता भावना ध्यान करते हैं, ये धीरे 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 इसका असर जाती है, और असर जाती जरूर है, बहुत मजबूत तरीके से असर जाती है। इतना मजबूत तरीके से असर जाएगी कि आप परिवार वाले भी, सब आसपास के लोग भी, जहां आपके कार्य क्षेत्र, वो भी सोचेंगे कि ये आदमी पहले जैसा नहीं रहा, ये आदमी बदल गया है। तो इस तरह से मैंने आपको आज जो है सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने के लिए कुछ बातें मैंने बताने का मैंने आप लोगों को प्रयास किया है। ये बहुत जबरदस्त हीलिंग पावर है आदमी की, अगर इससे हम कनेक्ट हो जाते हैं तो आदमी की सारी बीमारियों का जड़ खत्म हो सकती है, कोई बीमारी उसको छुएगी नहीं, हमेशा खुश रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर विराम दूंगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुन लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।